दोस्तों नमस्कार। आज सबसे ज्यादा चर्चा का विषय अगर कोई है तो वो है रविचंद्रन अश्विन, और उसकी बड़ी वजह है कि आज 28 तारीख है, 28 सितंबर डेडलाइन है बीसीसीआई की तरफ से नाम भेजने की, क्योंकि अभी तक नाम तो एक बार प्रोविजनल स्क्वाड भारत अनाउंस कर चुका है वर्ल्ड कप के लिए, और अब उसमें कोई बदलाव होगा या नहीं होगा इसको लेकर आज आखिरी तारीख है, और इसमें आप बिना किसी इंजरी के या बिना किसी की परमिशन के आप बदलाव कर सकते हैं, इसको अंतिम रूप दे सकते हैं। दिक्कत यह है कि अभी अक्षर पटेल पूरी तरह से फिट नहीं है, और अक्षर पटेल को ग्रेड 1 टियर इंजरी है हैमस्ट्रिंग में, और अभी हैमस्ट्रिंग की इंजरी में पूरी तरह से रिकवर होने में उन्हें तकरीबन 2 हफ्ते और लग सकते हैं। तो अब जाहिर सी बात है कि ऐसी स्थिति में रविचंद्रन अश्विन एक बेहतर विकल्प है, और रोहित शर्मा ने कहा भी है कि वो मेन कंटेंडर होंगे, हालांकि ये नहीं कहा कि हम उनका नाम भेज रहे हैं, लेकिन मेन कंटेंडर होंगे, और उन्होंने वाशिंगटन सुंदर का नाम नहीं लिया। तो जाहिर सी बात है सुंदर पर जो है तरजीह दी जाएगी रविचंद्रन अश्विन को, और रविचंद्रन अश्विन जो 2 मुकाबले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले हैं, पहले मुकाबले में उन्हें 1 विकेट हासिल हुआ, दूसरे मुकाबले में उन्होंने 3 विकेट चटकाए, वार्नर, लेबुशेन और जोस इंग्लिश के विकेट चटकाने के साथ ही उन्होंने दिखा दिया कि उनमें पुराना दमखम अभी बाकी है। हालांकि 6 साल में 2 वनडे मुकाबले खेले थे, स्कीम ऑफ थिंग्स में भी नहीं थे, लेकिन जब वेस्टइंडीज से टीम लौट रही थी तभी ऐसा पता चला सूत्रों के हवाले से कि उन्हें कहा गया था कि आप तैयार रहिए। तो अक्षर पटेल का फिट ना होना एक चिंता की बात हो सकती है, लेकिन उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर अश्विन का नाम आज भेजा जा सकता है बीसीसीआई की तरफ से, क्योंकि संकेत मिले हैं रोहित शर्मा की तरफ से। तो अब जाहिर सी बात है कि 69 वनडे विकेट्स जो हैं उनके नाम भारतीय जमी पर रहे हैं, और 337 टेस्ट विकेट भी उन्हें भारतीय जमी पर हासिल हुए हैं, तो भारतीय जमी उन्हें बहुत रास आती है, यहाँ की स्पिन फ्रेंडली विकेट कंडीशंस के अनुकूल गेंदबाजी उनकी सबसे बड़ी ताकत है, और उन्होंने रोहित शर्मा ने तो बहुत क्लियर कर दिया है कि हमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है 15 के स्क्वाड को चुनने के लिए, और रिप्लेसमेंट को लेकर भी उन्हें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। तो आप पक्का समझिए, बात पक्की समझिए रविचंद्रन अश्विन की तरफ से। और अब जो है इस दल में अगर आप देखें तो रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, शार्दुल ठाकुर, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, अब अक्षर पटेल की जगह हो सकता है कि यहाँ अश्विन का नाम हो, और जसप्रीत बुमराह, शमी, सिराज, कुलदीप यादव, ये है भारत की टीम। तो अब इसमें एक बदलाव आप देख सकते हैं, और हालांकि बदलाव उसके बाद भी हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको इंजरी दिखानी होगी खिलाड़ी की, और साथ ही जो आईसीसी की टेक्निकल कमेटी है उससे अनुमति भी लेनी होगी। लेकिन यहाँ आज जो डेडलाइन है उसमें आपको कोई भी किसी तरह की अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।